हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कोमल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल चिकू मम लाइफस्टाइल। तो अभी टाइम हो रहा है 8:30 बजे का और मैं और चिकू अभी उठे हैं जस्ट, क्योंकि रात को चिकू की 4-5 बार मतलब तबीयत सी ख़राब है ना उसको, तो मतलब उसको लूज़ मोशन हो रहे थे, तो 4-5 बार वो वॉशरूम गया था। और आपको पता है कि बच्चा वॉशरूम गया है तो मतलब भाई उसके बाद उसकी नींद बिल्कुल उड़ जाती है, तो 1 घंटा तो छोटे बच्चे को सुलाने में लगता ही है। और ऊपर से चीकू की तबीयत भी ख़राब थी, तो थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा था कि बस मेरे को गोदी में ही लेके बैठो, मेरे को बिस्तर में मत सुलाओ। तो जो है मतलब 1 घंटा चला गया, तो आप ये लगा लो 5 बार गया, तो 5 घंटे तो रात के ऐसे ही चले गए थे। मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाई थी, बिल्कुल भी नहीं। और कुछ इस टेंशन में नींद नहीं आती कि चीकू बीमार है, चीकू बीमार है, चीकू बीमार है। बट सुबह 5 बजे के बाद ये ढंग से सोया, इसकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई, इसको दवाई वगैरह दी, उसके बाद ये ढंग से सोया। तो ये सुबह मतलब ऑफिस गए हैं पर खाना वगैरह नहीं लेकर गए, इन्होंने मुझे जगाया ही नहीं, क्योंकि मुझे भी फिर नींद आ गई और ये भी सोया रहा तो मैं भी सोई रही। तो जब ये जाने लगे तब इन्होंने मुझे उठाया, तो मैंने इन्हें बोला भी कि भैया आप उठाना चाहिए था, खाना नहीं बनाया। तो बोले कोई नहीं, रात भर जागी है तो नींद पूरी नहीं होगी, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं जगाया, बोले मैं कैंटीन में खाना खा लूँगा। तो अभी जस्ट चीकू उठा है तो मैंने इसको कपड़े वपड़े पहना दिए हैं, गर्म कपड़े, और मैं आ गई हूँ किचन में चीकू के लिए दूध गर्म करने और अपने लिए चाय बनाने। क्योंकि ना रात की नींद जो है वो रात में ही पूरी होती है, 5-5, 6-6 घंटे रात में जगो तो सर में थोड़ा सा दर्द होने लगता है, तो बस वही मेरे भी सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था। तो यहाँ पर मैं पीऊँगी चाय और चीकू को थोड़ा सा दूध पिलाऊँगी, मतलब पत्ती वगैरह डालकर ही। और अभी मैं आप लोगों से सीधा मिल रही हूँ शाम को, अभी बज रहे हैं शाम के 5, रात नहीं हुई है। और चीकू दिन में ठीक था, मतलब थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा था बट वैसे उसकी तबीयत ठीक थी। तो वो भी पड़ोस में गया है खेलने के लिए, मैं आपको दिखाऊंगी आगे वीडियो में कि वो कहाँ गया है। तो मैं अभी खाना बना लूँगी, मतलब रोटी नहीं बनाऊँगी, सब्जी बना लूँगी, आटा लगा लूँगी, क्योंकि बच्चा बीमार है तो जब टाइम मिले तभी कर लेना चाहिए। तो सुबह ये भी खाना नहीं खा कर गए, और कैंटीन का ना इन्हें कंपनी का जो खाना होता है वो इन्हें पसंद नहीं है खाना। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू टमाटर की बस पतली सी एकदम सब्जी, तो आलू टमाटर मैंने काट लिए हैं और यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है कुकर, और कुकर में ना थोड़ा सा पानी है तो मैं इसको थोड़ा सा जल जाने दूँगी, पानी को, कुकर को सूखने दूँगी। और यहाँ पे मैं साइड में काट लूँगी प्याज, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पहले प्याज टमाटर सब कुछ काट के रखूँ और फिर एक साथ छोंकूँ, क्योंकि आपको पता है कि बच्चा बीमार है। इस टाइम मेरे लिए एक एक मिनट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, एक एक पल की बस फटाफट मेरा काम हो जाए, एक एक मिनट एक एक घंटे के बराबर हो रही है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी मुझे करना है। तो कुकर का पानी सूख चुका है, मैं इसमें डाल दूँगी ऑयल, और साथ ही में मैंने काट ली है प्याज, और जैसे ही प्याज ऑयल गर्म होगा तो प्याज डाल दूँगी। और दिन में बनाई थी मैंने ये खिचड़ी, बनाना तो चाहती थी पतली सी बट बन गई ये सख्त सी, पतली सी नहीं बनी, ये थोड़ी बहुत हमने खाई, थोड़ी बहुत बची हुई है। और यहाँ पर तेल गर्म हो गया, उसमें डाल दी है जीरा और हींग, और साथ में डाल दी है प्याज। और जैसे ही जो है प्याज थोड़ी सी ब्राउन होगी मैं साथ में टमाटर डाल दूंगी, टमाटर को भी मैं साथ के साथ काटूंगी। और ऐसा ना मतलब बहुत लोग ऐसा ही करते हैं कि साथ के साथ काटते जाते हैं, साथ के साथ छोंकते जाते हैं, तो आज मेरा भी सब जैसा हाल हो रहा है। तो प्याज भुन चुकी है और साथ में अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी टमाटर और थोड़े से सूखे मसाले। सूखे मसाले बिल्कुल सिंपल से सब्ज़ी बना रही हूँ ताकि चीकू भी 1-2 बाइट ले सके, कम मसाले की, बस हल्दी नमक और मिर्च, सिर्फ 3 मसाले हैं, कोई गरम मसाला नहीं, कोई धनिया पाउडर नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल ही सिंपल सा खाना। तो यहाँ पे जितने ये भुनते हैं गलते हैं इतने में यहाँ पे सब्जी को धो लूँगी अच्छे से, वैसे धो ही रखी थी, तो आलू धोकर ही यूज़ किए थे, और तो फिर और मटर अंदर से निकलते ही हैं धुले साफ सुथरे, बट मन में वहम होता है तो इनको धो लिया है मैंने। तो यहाँ पे जो है टमाटर भी अच्छे से भुन गए हैं, अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी सब्जी, जो भी मतलब ये आलू और मटर हैं ये, और आलू मटर की सब्जी इनको बहुत अच्छी लगती है, मतलब इनको ना तरी की ही सब्जी पसंद है, तो ये थोड़ा खुश होके शाम को खाना खा लेंगे।
तो यहाँ पे मैंने आलू डाल दिया है, आलू मटर, और इसमें अपने हिसाब से मैं डाल दूँगी पानी, मतलब ना ही तो बहुत ज़्यादा तरी और ना ही बहुत ज़्यादा मतलब गाढ़ी गाढ़ी सी, मीडियम मीडियम सी। और यहाँ पे मैंने लगा दिया है ढक्कन, और ये जो आसपास में सामान रखा है गैस वैस है, इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ से क्लीन कर लूँगी, हाथ के हाथ साफ़ करती जाऊँगी, तो मेरा काम जो है वो बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ से मैंने सारी सफाई कर दी है, और 2-3 सीटी लगवाऊँगी मैं, कम से कम 3 या 4 सीटी, ताकि सब्ज़ी जो है वो अच्छे से गल जाए, आलू जो है बिल्कुल मैश हो जाए, तो वही अच्छी लगती है तरी वाली। तो जितने सब्ज़ी बनेगी इतने यहाँ का जो भी सामान है, इन सभी सामानों को मैं इनकी जगह पर रख दूँगी। और मैं ना कुछ तो मैंने यहाँ पे वीडियो को कर भी फास्ट फॉरवर्ड रखा है, बट मैं काम कर भी बहुत ज़्यादा स्पीड में रही थी, इतना जल्दी जल्दी कर रही थी, बहुत जल्दी जल्दी एक काम कर रही थी, एक छोड़ रही थी, एक कर रही थी, एक छोड़ रही थी। तो यहाँ पर सारे बर्तनों को मैं यहाँ पर जचा लूँगी, और अभी ना सब्ज़ी बनने में टाइम है, मतलब उसमें अभी एक ही सीटी आई है, तो इतने में आटा भी लगा कर रख दूँगी। तो आटा ले लिया है, उसमें नमक डाल लिया है, और बिल्कुल नॉर्मल से पानी से आटा लगा लूँगी, ताकि अब मैं उसे चीकू को लेने जाऊँगी तो मेरा ये है कि सारा काम करके जाऊँ, बस मेरे को आके सिर्फ रोटी रोटी सेकनी हो, और अगर चीकू नहीं भी रुका तो इसके पापा आने के बाद मैं रोटी रोटी बना लूँगी, क्योंकि सब्ज़ी बन चुकी है, आटा भी लग जाएगा, तो फिर क्या काम बचेगा, कुछ भी नहीं। और बच्चा बीमार है तो कहीं छोड़ने का भी मन नहीं करता ना, कि भाई उनके घर में सुसू कर दे, पॉटी कर दे, वॉमिटिंग कर दे, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो बस मैं फटाफट काम करके और उसको लेने जाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने आटा भिगो दिया है, इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी। लाइट नहीं है क्या? खोल दे, कह दे, खोल दे, छोटे बाप का क्या पैसे कर दे, कैसा लग रहा हूँ बताओ, कैसा लग रहा हूँ बताओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में, वीडियो के कमेंट में बताओ कैसा लग रहा था ये। देख बाबू ये क्या कर रखा है, देख बेटा, देख फटे फटा कैसा है, फटा फटा बाबू, मैं लगा लूँ ये कैप, मैं लगा लू, देखना मेरी वीडियो में भी आ जाऊंगी। मैं कैसी लग रही हूँ बाबू, सोनी लग रही हूँ भैया, पहना वीडियो बनवा रही हूँ मैं, बढ़िया सी भैया पहना, भैया के पहना, सब पहना एक एक बार, मत पता भाया आए। चीकू को मैं लेकर आ चुकी हूँ, और ये निकाल ली है मैंने कुकर से सब्जी, मतलब ये अभी खा लेंगे हम दोनों, और ये मैंने थोड़ी सी सिर्फ टेस्ट करने के लिए, मन कर रहा था कुछ चटपटा सा खाने के लिए, और ये सब्जी है थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो कि सुबह काम आ जाएगी, मैं खा लूँगी इसे। हेलो, तो आज है नेक्स्ट डे, और कल मैं वीडियो का एंड नहीं कर पाई थी, बिकॉज चीकू की रात को थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, तो बस फिर मेरा मूड नहीं किया वीडियो एंड करने का, या फिर वीडियो बनाने का, मतलब दिमाग से ही निकल गया, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे को बिल्कुल ध्यान ही नहीं था कि मैंने कोई व्लॉग शुरू भी किया था, और मुझे उसका भी एंड करना दिमाग से बिल्कुल निकल गया था। तो चलिए इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ, कल मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय टाटा, गुड नाइट, गुड नाइट नहीं अभी दिन हो रहा है, सॉरी, बाय टाटा, और अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, मौसम बदल रहा है बहुत ज्यादा, और आज तो बहुत ठंड भी हो रही है, तो चलिए बाय टाटा।